खबरदार सासी, राजनीति में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, साथ ही जनता की सेवा करने की भावना हो। वह लोग हमेशा जनप्रतिनिधि बनकर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा ही हाल ही में हुए जिला परिषद सदस्य पद पर निर्वाचित वार्ड नंबर 1 के निर्वाचित सदस्य नीलम गुर्जर ने मतदाताओं का आभार जताने के लिए आभार यात्रा निकाली है। इसके चलते हुए गांव-गांव ढाणी-ढाणी अपने मतदाताओं के पास जाकर उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि बहुत कम देखने को मिलते हैं, वह भी एक महिला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद। इसके चलते उन्होंने यात्रा में अपने निर्वाचन क्षेत्र संहिता में भी जो उनके समर्थक थे, जिन्होंने उनके चुनाव में उनका सहयोग किया, ऐसे कार्यकर्ताओं का भी उन्हें आभार जताने के लिए घर पर पहुंची। दौसा के जालना का बास स्थित मोहल्ले में जाकर उन्होंने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नीलम गुर्जर का फूलमाला पहनाकर और शोर उड़ाकर उनका स्वागत किया, साथ साथ उनके परिवारजनों का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से रूबरू नीलम गुर्जर ने कहा कि चुनाव यह मेरा पहला जरूर है, लेकिन विकास का एजेंडा हमारे पहले से ही फिक्स है। इसके चलते उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, इसलिए मैं सर्वप्रथम पानी की समस्या को दूर करूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को प्राथमिकता के साथ क्षेत्र में शिक्षा के आयाम खड़े किए जाएंगे ताकि ग्रामीण जनता को शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ग्रामीण अंचल में सड़कों की हालात काफी दयनीय है और उनको सुधारने के लिए कार्य किया जाएगा ताकि ग्रामीण जनता को आवागमन में बाधा नहीं पहुंचे। इस अवसर पर हनुमान सिंह, फौजी कमल सिंह, जय सिंह खैरवाल, सुभाष उजाला, उम्मीद सिंह, राम सिंह फागना, भगवान सहाय, संतोष देवी, कैलाशी देवी, आशा देवी, राज देवी सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। जिला परिषद सदस्य के लिए जो टिकट मिला था भाजपा से, जो प्रत्याशी थी, अभी वहाँ से हम जीत के आए हैं वार्ड नंबर 1 से, और जगह जगह पे आभार यात्रा हमारी निकाली जा रही है। आज यहाँ मेरे मामा जी के यहाँ पे स्वागत है और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हम लोग सभी जगह पे जा रहे हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जो तन मन से हमारा सहयोग किया। आपके पहला चुनाव है, निर्वाचित हुए हैं, तो वार्ड में किस तरह से विकास कार्य कराएंगे, किस तरह बड़ी चुनौती होगी? हाँ, कांग्रेस का बोर्ड बना हुआ है। जी जी, देखिए चुनाव पहला है लेकिन जो एजेंडा है वो हमारा पहले से भी फिक्स था और अभी भी वही जो है वही है। सबसे जो मुख्य जो उद्देश्य जो हमारा है, उस क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हमारा सबसे पहला जो होगा वो पानी की समस्या को लेकर के उसका जो निवारण है वो होगा। शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है वो भी हमें वहाँ पे बढ़ानी है। सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों को भी हमें वहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक करनी है। जो हमारे जो मुख्य मुख्य कार्य होंगे जो यही पानी, सड़क और वहाँ की शिक्षा के प्रति जागरूकता है वो जो करनी है। जिला परिषद चुनाव में 8 सीट भाजपा का, उसके बाद में 13 सीटें तक पहुँची, तो किस तरह का लोगों के अब देखिए 8 सीटें तो आई थी, 13 सीटें आई है ये भी सबको पता है, तो इससे तो सबको ये जो मालूम है कि वहाँ अविश्वास है। जो मुख्य जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वहाँ पे भी अविश्वास है और यहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि अविश्वास है। इसी वजह से 8 की 13 जो वोटिंग हुई वो भाजपा के पक्ष में हुई है। लेकिन दूसरे 24 घंटे बाद ही 8 में से भी 6 रह गए। अब ये तो देखिए मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है, उसे कौन अपने प्रतिनिधि के रूप में ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन नहीं लगता है। अब इसके लिए मैं नहीं कह सकती कि पहले दिन कैसे 13 हुई, दूसरे दिन कैसे कम हुई। रणनीति तो आपकी थी पहले दिन तो? अब बिल्कुल रणनीति हमारी ऐसा कुछ भी नहीं थी, अभी मैंने जो बोला वही था, जो अविश्वास था वही वाली बात है, रणनीति ऐसे कुछ भी नहीं है।